हाँ तो आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, गुडविल यूनिट फर्स्ट, ठीक है। गुडविल ये कहाँ से ली गई? यजुर्वेदा से ली गई। यजुर्वेदा का मतलब क्या होता है? यजुर का मतलब होता है कि वर्शिप करना, यानी कि मतलब पूजा करना, और वेद का मतलब होता है कि आप लोगों की नॉलेज, ठीक है। तो वर्शिप की जो नॉलेज है वो इस वेद में दी गई है, ठीक है। दिस हाइम, हाइम मतलब एक्सट्रैक्ट जो रहता है इसके, दिस हाइम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा, मतलब यजुर्वेदा से एक यूनिट ली गई है, विच इज़ वन ऑफ द फोर वेदास, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा बींग द थ्री विच आर रिगार्डेड एज एन एंशियंट, पुरानी बुक्स हैं जिसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया। द डेट ऑफ द वेदा इज अननोन, किसी को नहीं पता वेद कब लिखे गए, बट दे आर श्योरली अमोंग द मोस्ट एंशियंट लाइब्रेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, दे डील विद द डाइटी एंड क्रिएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर अंत तक के बताती है। इन दिस टाइम द डिवाइन एसेंस, द प्योर स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली वॉट इज़ गुड, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे जो चीज़ें हैं ये समय ये बताती है कि हमें अपने अंदर क्या विल डालनी चाहिए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें, अच्छा करें, वॉट इज़ गुड। देर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ अ मैन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस स्पिरिट ऑफ गॉड, ठीक है। तो हमें नेचर के साथ अपनी आत्मा को कुछ इस तरह मतलब रखना चाहिए कि वो गॉड से, गॉड जैसा हमें चाहते हैं वैसे रहे, ठीक है। हम वाइज बने, द वाइज मैन दैट अ परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स आर कंट्रोल्ड बाय दैट डिवाइन नेचर, मतलब हमें वाइज मैन बन करके रिचुअल्स को ऐसे फॉलो करना चाहिए जैसे डिवाइन नेचर करता है, यानी कि नेचर को एक एग्जाम्पल की तरह बताया गया। एज द फ्लीट फुटेड हॉर्स आर कंट्रोल्ड बाय रेन, सो आवर फ्लैशली डिज़ायर आर कंट्रोल बाय द माइंड इन अस, मतलब जैसे कि लोग घोड़ों को जैसे वो कंट्रोल करते उनके जो लगाम रहती है, तो वैसे ही हमें भी अपने माइंड उसी तरह गाइड करे और उसी तरह हमें फॉलो करा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यजुर्वेदा गुडविल फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या बताता है हमें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल, मतलब वो चीज़ जिससे कि हम क्या बने, वाइज मैन बने, वाइज मैन मतलब के अच्छा इंसान, स्किलफुल इन रिचुअल मतलब गुणी, निपुण एक तरह से, यानी कि बहुत ज़्यादा उस परफेक्ट उस काम में, ठीक है। तो मे दैट वो चीज़ जिससे कि हम लोग वाइज मैन बने, स्किलफुल बने रिचुअल्स में, एंड स्टेडी इन असेंबलीज, मतलब जो भी मीटिंग या फिर जो भी लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे कभी, तो उनके साथ हम लोग एक दृढ़ तरीके से खड़े रहे, दृढ़ मतलब एक तरह से स्ट्रांग तरीके से खड़े रहे, ठीक है। परफॉर्म दैट टास्क, परफॉर्म दैट टास्क मतलब अपने का जो काम है, अपने जो कार्य है उसे हम करें टाइम टू टाइम, ठीक है। दैट प्योरलेस स्पिरिट मतलब जो हमारे अंदर है, दैट प्योरलेस स्पिरिट यानी कि अटूट, यानी कि जिससे हमारा कोई मतलब निश्चर बोलते हैं ना अपन, जो ख़त्म ना हो सके, ठीक है। दैट प्योरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, जो सारे लिविंग बींग में है वो हमारे अंदर जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट है जो हमें वाइज बना सकती है, हमें स्किलफुल बना सकती है, हमें दृढ़ निश्चय वाला बना सकती है, ठीक है, स्ट्रांग इमोशंस वाला। वो स्पिरिट हर एक जीवन के मतलब जीवित लिविंग क्रिएचर के अंदर होती है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, मतलब काश, मे यानी कि ऐसा बोलते शायद, या फिर हो, हम ऐसा होप करते हैं, ठीक है, दुआ करते हैं या फिर कोई प्रे करते हैं कि मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, कि ऊपर वाला ऐसा करे कि मेरा जो माइंड है वो हमेशा वही देखे जो कि अच्छा है, वही करे जो अच्छा है, ठीक है। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी, मतलब वो चीज़ें मुझे याद रहे जिस वो मुझे ज्ञान प्राप्त हो जो डीप है, डीप नॉलेज है, इंटेलेक्ट यानी कि बहुत गुणी, बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से बहुत परफेक्ट नॉलेज होता है ना किसी चीज़ के लिए, करेक्ट नॉलेज वो, और मेमोरी मुझे अच्छी याद करने की क्षमता दे। That which is deathless flame in living being, वो जो कि एक इंसान में, एक जीवित इंसान मतलब लिविंग बींग में ख़त्म नहीं होती, deathless flame मतलब जो एंड ना हो, है ना, जो एक फायर जो एक इंसान के अंदर रहती है ना वो ख़त्म ना हो, तो वैसी फायर मेरे अंदर ऊपर वाला जगा दे, ठीक है। Without which nothing whatever is done, जिसके बिना कोई भी चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। May that my mind resolve on what is good, तो वो चीज़ मेरे अंदर डाले ऊपर वाला और मुझे हर बार वही मेरा माइंड को सोचने को बोले जो कि सही है, मतलब एक तरह से ऊपर वाले से एक प्रे कर रहे हैं कि मुझे उस पाथ पे चलाइए जिस पाथ में मुझे हमेशा और कुछ सही करने को मिले, कुछ भी मैं गलत ना करूं, मुझे उस पाथ को बताएं, ठीक है। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ चैरियटर, वो जो कि लोगों को एक सही पाथ पे अच्छे एक चरवाहे, चैरियटर मतलब एक तरह से अच्छे राह पर चलने वाला, तो एक गाइड करें मुझे अच्छी तरीके, अच्छी लाइन पे जाने के लिए। हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्स विद द रेंस,
मतलब जो लगाम रहती है लोगों की, घोड़ों की, उससे कंट्रोल करके हम उसे सही रास्ते पर चला सकते हैं, वैसे ऊपर वाला भी हमारे माइंड को कंट्रोल करके हमें सही राह पर चलाए। ठीक है, दैट विच अबाइड इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, वो जो कि लोगों के हार्ट में उनके मतलब जी हर कार्य में दिखे। ठीक है, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, तो मेरा दिमाग उस चीज़ पर मतलब जाए जहाँ जो सही है, या फिर ऊपर वाला मुझे उस पाथ पर चलाए जो कि सही है। तो ये गुडविल जो है ये बता रहा है हमें कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमेशा अच्छे कार्य हो, खराब कार्य कोई ना। ठीक है, तो आज ये यूनिट ख़त्म हुई है, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगा। तो बहुत सिंपल यूनिट है, आपको बता रहा है कि आपके जो माइंड की थिंकिंग है वो किस हिसाब से होनी चाहिए, तो ये गुडविल यूनिट में आपको बताएगा। ठीक है, थैंक यू।